हेलो दिल ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं लेकर आई हूँ रमजान स्पेशल वाइट पास्ता। वाइट पास्ता मैं बहुत ही इजी वे में आपको बनाना बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये पानी बॉईल होने के लिए रखा है चूल्हे के ऊपर। ये देखिए कितने अच्छे से पानी उबल रहा है। ये देखें जोश वाला बॉईल जो है ये पानी में आ रहा है। अब इसके अंदर आप पास्ता शामिल करें। ये देखें पास्ता इस तरह से फुल हीट पे पकना चाहिए। ये हमें फुल पका हुआ पास्ता चाहिए। आपका बर्तन ऐसा होगा जिसमें ऑयल डाल दो, जो पास्ता टूट रहा है जुड़ रहा है। देखो ऑयल डाल दो, ऑलिव ऑयल कौन सा जरूरी है। हाँ जी, फुल जब बॉईल हुआ तभी मैंने डाला, मैंने वैसे डाला ही नहीं। मम्मा मुझे टाइम नहीं कभी पता लगा, मैं तो पास्ता की शक्ल देख के देखता हूँ। हाँ, क्योंकि हर पास्ता ना मुख्तलिफ होता है। हाँ, शुरू की कुछ देर इसको हिलाना होता है, उसके बाद ही इसको छोड़ दें, सारा कुछ चिपकता नहीं। नहीं अच्छा नहीं टूट रहा, मैंने देखा था अंदर कुछ टुकड़े वाले। ये देखिए मामा, ये जो लगता है ना इसको ब्राउन करना है, लेकिन बहुत हल्का, ठीक है, कि ये ऐसे ना ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी ब्राउन। ये जो लहसुन है ना स्लो आंच पे इसलिए पकाना है, फिर इतने क्रिस्पी हो गए, ठीक है। इसको क्रिस्पी करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। ये अंदर बाइट्स आएंगी इसकी, बहुत मजे का लगेगा, ठीक है। दूसरा जो है ना, ताकि अच्छी तरह अपना सारा फ्लेवर ना मक्खन में छोड़ दें। ये देख लिए मामा, इस तरह ब्राउन करना है, ये क्रिस्पी हो रहे हैं और पक रहे हैं और इनका सारा फ्लेवर भी उसमें आ रहा है। ये देखिए ये अच्छा खासा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर आप मशरूम्स डाल दें, कटी हुई मशरूम्स डालें, और उसको भी आपने इसी तरह स्लो हीट पे ब्राउन करना है, और इनको भी जलने नहीं देना, बस फ्राई करना है। इन दोनों का फ्लेवर जो है वो पास्ता के अंदर बहुत बहुत मजे का लगता है। ये देखें ये भी स्लो हीट पे चम्मच चलाते जाएं और इसको फ्राई करते जाएं। ये क्रंची सा हमारा फ्राई होना चाहिए दोनों चीजें। ये घर के मक्खन में तैयार हो रहा है। ये देखो ये इसकी बेस, अब अगर चाहे तो निकाल लो, ये देख रही हो ना। अब इसके अंदर शामिल करें आप मजीद और मक्खन, इसके अंदर शामिल करें, और मक्खन डालने के बाद 2.5 टेबलस्पून इसके अंदर मैदे के शामिल करने हैं, 2.5 टेबलस्पून। मामा ये देखो आके, और इसको आप इसी तरह स्लो हीट के ऊपर फ्राई करें, आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएं और साथ साथ ये फ्राई होता जाएगा। इसको भी आप अच्छे से फ्राई कर दें, ये मक्खन भी इसमें और डाला है। ये देखें ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। बस ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, बनता ये पास्ता बहुत जल्दी है, मगर ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हीट पे करने वाला है। एकदम से हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको जला नहीं देना। कि अब ये फ्राई हो रहा है, इसके अंदर मक्खन कम था, थोड़ा सा मक्खन और डाला है, साथ साथ चम्मच चलाते जाएं और साथ साथ इसको फ्राई करते, इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। मामा ये आके देख लो, ये देखें ये हर चीज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं दूध शामिल करूंगी। इतनी सॉस बहुत है, अगर कम लग रही तो अभी मुझे और दूध दे। ये 2 कप के बराबर दूध था। अब आप इसको पकने दें, थोड़ा सा ये सॉस गाढ़ी हो जाए, और साथ साथ आप इसके अंदर चीजें। बहुत ही मजे की ये सॉस तैयार हुई है। दूध जब आपको लगे ना सॉस थोड़ी कम करनी, इसमें दूध और डालना, ठीक है। मैं ज्यादा गाढ़ी इसलिए नहीं कर रहा, दोबारा भी होनी है। और हल्का सा इसमें नमक शामिल करें, और इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने गाढ़ा होना है। इसमें अभी पास्ता भी हमने शामिल करना है। आपने इसकी इसको थोड़ा स्पाइसी करना है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स और काली मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। काली मिर्च जितने आप पसंद करते हैं उतने डालो। ये बहुत मज़े की सॉस रेडी हो चुकी है, और ये देखिए सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी थी। इसमें कॉर्न डाल के हमने एक साइड पर रख दिया था, और सॉस अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं दूध और शामिल करूँगी, ठंडा दूध, और इसको एक आध बॉइल देंगे, और उसके बाद इसके अंदर पास्ता डाल के, और आपकी जो वाइट पास्ता बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैंने दूध इसमें शामिल किया है, इसको थोड़ा सा एक बॉईल आने दें।
ये देखिए इस टाइम पे हमें इतनी गाढ़ी जो है सॉस चाहिए। और अब इसके अंदर आप पास्ता शामिल कर दें। अब पास्ता डाल के बस आपने इसको मिक्स करना है। पास्ता डालने के बाद आप इसको फोल्ड करें और ये आपका पास्ता रेडी है। इसके ऊपर आप चिकन पीसेस को रख कर गार्निश करके सर्व करें। कितना मज़े का, कितना यमी, बिल्कुल सिंपल और सादा सा वाइट सॉस पास्ता तैयार है। अब इसके ऊपर आप गार्निश करें चिकन के साथ। ये वाले जो चिकन पीसेस है ना, इसे फ्राई किए हुए, इनके साथ हमने इसको गार्निश करना है। यमी पास्ता तैयार है। खुद खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं ये बहुत मज़े का पास्ता और इंजॉय करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू।